सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन। वेलकम टू द थर्ड ओपिनियन खातन आदाबर्स। आज का ये प्रोग्राम भी एसब सबक हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स की तरह बड़ा क्रिटिकल है और हम आज बात कर रहे हैं एक ऐसे इशू पे जो इनफेक्ट जो है वो क्रिटिकल है जो कि फ़्रांस में जो फ्रेंच पॉलिटिक्स के हवाले से जो मुस्लिम रिएक्शन को लेके तो एक पॉलिटिक्स चल रही है कुछ इसमें जो है वो रिलीजियस कुछ पॉलिटिकल और कुछ इमोशनल इश्यूज जो है वो हैं वो इन्वॉल्व हैं तो इस पे हमें बहुत सारे सवाल मिले हैं जिनमें के उनकी सारे सवाल की हम गहराई में तो नहीं जा सकते लेकिन उसका हम जो कुछ खाका है वो पेश करने की कोशिश करेंगे इसमें ये बात करने से पहले एक बात दोहराना ज़रूरी है जो हमारे एक दोस्त ने आज लिखी है कि जब जज्बात का आपस में जज्बात की बुनियाद पे जो है वो बहस मुबासा हो रहा हो तो उस वक्त जो है वो मजबूत दलील भी काम नहीं देती बल्कि मजबूत दलील का भी उल्टा असर होता है चूँकि दलील अगर किसी को लाजवाब कर दे तो फिर वो उसके जज्बात जो है ना उसमें मज़ीद अंगेख और मज़ीद उसमें इश्त्याल जो है वो पैदा होता है तो इसलिए ये मसला जो है ना इज़ वेरी पैशनेट और इज़ वेरी क्रिटिकल एक सेंसिटिव मसला है और इस पे बहुत सारे लोगों के जज्बात जो हैं वो समझ में आने वाले हैं और इस बात पे जाहिर है कि कोई भी जो मुसलमान हैं वो कहीं भी आबाद हैं उनका इस पे कोई दो राय नहीं है कि हज़रत महमदील वल्लम ख़ातिमाबीन की जो तकदस है और उनका जो एहतराम है वो सब मुसलमानों पे लाजम है मुसलमानों पे तो लाजम ही लाजम है लेकिन तोक़ु ये रखी जाती है कि जो भी गैर मुस्लिम भी हैं जिनका दूसरे मज़ाहब से तल्लक भी है वो भी इस हवाले से बहुत सारे ऐसे जो एहतराम का एक एजार है उनके लिए भी करना ज़रूरी है चूँकि ऑफ़ पीपल जो हैं उनकी एक जो है पैगम्बर पैगम्बर इस्लाम सल सल्ला वातिमाबीन की बात हो रही है तो उस पर ज़ाहिर ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप ये आम जो रवायत है कि आप दूसरी कामों के दूसरे मजाब के जो बड़े लोग हैं जो उनके रहनमा हैं जो उनकी बुजुर्ग व बरतर अस्तियाँ हैं उनकी अब रिस्पेक्ट करते हैं तो इस हवाले से हमारे भी बहुत सारे मुसलमान यही समझते हैं कि ये फ्रांस पर या फ्रांसीियों पर भी लाज़म है कि वह ऐसे ही करें तो हम थोड़ा सा इस मसले का बड़ी डेफ्थ में एक जायज़ा लेंगे ताकि हम ये कोशिश करें कि एक तो ख़ुद डिसपेशनेटली इसको एनालाइज करें और दूसरा जो लोग इसको टोटली इमोशनली देख रहे हैं देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन लुकिंग एट इट इमोशनली लेकिन टोटली मैं का कल्स में इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आप अगर बिल्कुल ही इसको इमोशनली देखेंगे तो फिर इस मसले के अंदर जो है इसमें क्या क्या पेचीदगियाँ पैदा होती हैं और इसका फॉलोअ क्या है इस पर भी जो है वो बात होनी चाहिए तो पहले तो हम शुरू करते हैं कि इसका जो आगाज़ कैसे हुआ कि जो 2015 में इशू चला था वो ज़ाहिर है इसी तरह हमने यहीं इसी प्लेटफार्म पे मुख्तफ प्लेटफॉर्म्स पे इस पर बात की थी जो चार्ली एपडो का इशू था कि जिसमें उन्होंने हजरत मोहम्मद के ऐसे खाके पेश किए थे जो मुसलमानों की दिल आज़ारी का बास बने तो वहाँ से फ्रांस के अंदर इस हवाले से एक जो है मुखलिफ़ु के इंसिडेंट चल रहे हैं मुसलमानों ने उसके खिलाफ रद्द दिया उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिन बारों चौदह लोग जिन पे अभी मकदमात चल रहे हैं उस रद्द के नतीजे में तो ये एक स्टोरी आगे बढ़ती आई और अब जाके इसमें जो नया टविस्ट आया वो जब एक फ़्रेंच टीचर को जो है बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और उसका पस मंज़र ये है कि उन्होंने अपनी क्लास में उन खाके जो हैं वो स्टूडेंट्स को दिखाए और उन पर बात की अब ये जो अमल हुआ इसके बाद फिर जो फ़्रेंच गवर्नमेंट का अमल हुआ रद्द अमल हुआ उसके नतीजे में एक इंटरनेशनल जो है वो एक वेव ऑफ़ एंगर आप उसको कह सकते हैं या एक इमोशनल जो है वो रिएक्शन जो है वो सामने आया जिस पर कि अगर आप तफसील से देखते जाएं तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी पहली बात यह है कि उम्म मुसलमान के लिए या जो मुसलमान आम लोग हैं उनके लिए ये बिल्कुल आम सी बात है कि इस तरह का कोई इशू जो है वो जब उन तक पहुँचे तो उसके ख़िलाफ़ वो रद्दमल करते हैं और रदमल के अपने अपने तरीके होते हैं कहीं लोग इसका अगर कोई खाका है तो उसका जवाब इसी तरीके से देते हैं कहीं कोई तहरीर है कोई आर्टिकल है कहीं ब्रॉडकास्ट है कहीं कोई तकरीर है तो उसके जवाब में उसी तनासब से जो है वो जवाब दिया जाता है मुख्तु जगहों पर लेकिन जाहिर है कि आम आदमी जो होता है वो इन चीज़ों का इस तरीके से जवाब नहीं दे सकता तो उसका एक कुदरती रदल होता है जो हमारे सामने आता है वो रदल इमोशन के साथ जुड़ा होता है और उसकी जो हज़रत मोहम्मद ख़ाति बिन नबीन के साथ खातिम नबीन के साथ जो कमिटमेंट है और जो एक जज्बाती वस्तगी है उसका अजहार होता है तो इसलिए इस तरह का इज़हार भी जो है वो होता रहा लेकिन ये है कि इसमें ये इज़ार करने से पहले थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ों को जो है वो समझना ज़रूरी है उसमें एक चीज़ जो है कि फ़्रांस है या जो दीगर कंट्रीज़ हैं वेस्टर्न कंट्रीज, कंट्रीज जिनमें ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मजारिटी जो है वो यूरोपियन लोग हैं या कुछ रिलीजन के हवाले से क्रिश्चियनिटी पे वो बिलीव करते हैं या दीगर मजाहब पे बिलीव करते हैं जाहिर है कि उनके अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लम ख़ातिमाबीन के बारे में उस तरह के जज्बात नहीं हैं जो उनके फॉलोअर्स के हैं और इस हवाले से ज़ाहिर है वो जो बात करते हैं जो जिस तरीके से करते हैं वो एक डिफ़रेंट पर्सपेक्टिव में वो बात करते हैं फॉर एग्जांपल जब ये टीचर जो है वो क़त्ल हुआ तो ज़ाहिर है जिस आदमी ने इस टीचर को क़त्ल किया उसके नज़दीक ये जो है उसके लिए एक जहाद या एक मक़दस फरीज़े के तौर पे था कि उसने जो है वो एक गुस्ताखी महसूस की और उस पर उसने रिएक्ट किया और अमल कर दिया लेकिन जो फ्रेंच पॉपुलेशन है फ्रेंच गवर्नमेंट है वहाँ के इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके लिए ये कोई इतनी सादा बात नहीं है उनके हवाले से इसको देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसपे फ्रांसिसियो ने इस पर रिएक्ट किया है वो इस तरीके से किया है कि ये जो है दिस इज ए मैटर ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यही बात 2014-15 में उन्होंने चार्ली एब्डो के हवाले से भी की थी और एक तवील बैस बैक एंड फोर्स आर्ग्यूमेंट के बाद कुछ चीज़ें उन्होंने तस्लीम की कुछ जो इसको अपोज़ कर रहे थे उसको तस्लीम उन्होंने तस्लीम की लेकिन अब की बार जो उन्होंने स्ट्रॉग रद्दमल शो किया कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था नंबर एक जो कि फ़्रांस के अंदर बसने वाले हर शहरी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right है इ ऑफ रिलीजन रेस कलर वगैरह वगैरह अब ये जो चीज़ है इसके जवाब में हमारे पास बहुत सारे दलायल हैं जो हम देते आए हैं 2014 से भी और उससे पहले सदियों से 1400 साल से हम जो है वो दलाइल देते आ रहे हैं जो सबसे बड़ी दलील जो इस वक्त हमारा हुक्मरान तबका भी और रिलीजस लीडर भी दे रहा है वो ये दे रहा है कि किसी मज़हब की तोहन करने में और फ़्रीडम ऑफ़ एक्सप्रेशन में फ़र्क है फ्रीडम ऑफ़ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी मज़हब की तोहन करें तो ये जो डायलॉग है इसका एक अखलाकी है बिल्कुल डेफिनेटली है और ऐसे मुल्कों में तो बहुत ही ज़्यादा है जहाँ के इस्लाम इस्लाम जो है वो एक मजार्टी मजहब है या मुसलमान एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं बसते हैं लेकिन ऐसे के अंदर जिस तरह फ्रांस है या इस तरह के दूसरे ममालिकिन जिनके अंदर कोई सरकारी मजहब रियासत का कोई मजहब नहीं है बल्कि वो एक सेकुलर स्टेट है और उसके अंदर एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन होया तो वहाँ पर फिर शहरीों को इस हवाले से वो पाबंद नहीं करते और ना कर सकते हैं कि आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है लेकिन उससे किसी ऐसे शख्स की दिल आज़ारी होती है जो कि अकीदे के अतबार से एक डिफरेंट जो है वो स्कूल ऑफ थाट या रिलीजस ट्रेडिशन या किसी हिस्टारिकल उससे जो है वो बिलोंग करता है जैसे कि मुसलमानों का यानी किसी दूसरे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन जब मुल्क बनाते हैं तो वो पर उस वक्त अपनी पापुलेशन की जो औरटेसन होती है वहाँ की जो ज़रूरियात होती हैं उनकी जो ट्रेडिशन है उनकी जो हिस्ट्री है उनका जो कल्चर है और उनकी जो मुस्तबल के बारे में ख्वाब हैं उनको सामने रख तो के तो कॉन्स्टिट्यूशन को एज़ ए गवर्निंग और एज ए गाइडिंग एक डॉक्यूमेंट के तौर पे बनाया जाता है उसमें उस वक्त वो नहीं देखते कि किसी अरब दुनिया में उस वक्त या पाकिस्तान में या तुर्की में या मलेशिया में लोग जो है उनके अकायद क्या हैं और वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे क्या क्या लिमिटेड चीज़ें जो हैं उसको लिमिटेड करना जो है देखना चाहेंगे या उस पर क्या क्या रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगवाना चाहेंगे इन अगर आप फ्रांस की हिस्ट्री देखें तो फ्रांस ख़ुद इन आलात से जो है वो गुज़रा है तवील तारीखी अदवार में फ्रांस पे बहुत ज़्यादा एक वक्त में चर्च की डोमिनेशन रही है जहाँ रिलीजस और चर्च के हवाले से ही ज़िंदगी का हर मामला जो है वो तय होता था फिर रफ्ता रफ्ता फ्रांस में तब्दीली की तरफ बड़ा वहाँ पर इनकलाब्रांस जो कि बहुत ही मशहूर एक हिस्टोरिकल इवेंट है उसके नतीजे में चीज़ें चेंज हुई और फिर विद दी पैसेज ऑफ टाइम रिलीजन को स्टेट से अलग कर दिया गया तो रिलीजन को स्टेट से अलग कर जब किया गया तो उस वक्त जो फ्रांस के अंदर अपना रिलीजन जो क्रिश्चियनिटी थी उसके भी इस तरह के बड़े जो है ना वो रिज़र्वेशंस थी जो कि मुकदस बिलीफ या अकीदे के साथ जिनका ताल्लुक होता है कि मसना हजरत ईसा इस्लाम के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कर सके कर सकते जो बलासफहमी या गुस्ताखी के उसमें आती हो आप किसी और न भी जिस पर क्रिस्नेटी बिलीव करती है जिनको रिकगनाइज़ करती है उनकी कोई मुकदस किताब है या ख़ुद जो है वो खुदा ताली की तात है ये सारी चीज़ें तो जाहिर है कि चर्च ने इस पर बड़ी फाइट बैक दी कि जी ये हम नहीं उन्हें देंगे नहीं हो सकता चूँकि रिलीजन एक मुकदस चीज़ है एक अलामी मजहब है खताबें अलामी हैं और इनका तकदस बहुत अहम है तो हम ये इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में इसको प्रोटेक्ट ना करें लेकिन चूँकि फ़्रांस में एक इनकलाब आ गया था और एक जो है वो एक नई सोच डिवेलप हो गई थी जो कि एक रिलीजस हवाले से हट के एक सेकुलर सोच थी तो इसलिए उन्होंने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट किया अपने अवाम के साथ एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो सेटअप बनाया उसके अंदर उन्होंने ये बड़ा क्लियरली लिख दिया कि फ़्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो टोटली हर किस्म की रिस्ट्रिक्शन से आज़ाद है इसमें अगर क्रिश्चियनिटी या कोई और रिलीजन इसको कोई मुकदस समझता है तो उसकी वजह से हम जो है वो लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को जो है वो लिमिटेड नहीं कर सकते जो बाद में आगे बढ़ते बढ़ते जब डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक सेटअप फ्रांस के अंदर मज़ीद मज़बूत होता गया तो ये कॉन्सेप्ट जो थे ये भी इवाल्व होते गए और बहुत कि फ्रांस वाज वन ऑफ द लीडिंग जो कंट्रीज़ में से एक बन गया जिसके अंदर सेकुलर सोच को लोगों की महबी आज़ादियों को फ़िरका वाराना रवादारीयों को और इस तरह के ओपननेस को जो है वो एज ए ओपन सोसाइटी के एक्सेप्ट किया गया जिस पे जाहिर है फ्रांसीसियों को फ़ख्र है ओपन सोसाइटी के हवाले से जहाँ पे उनके जो सिटीज़न् के राइट्स हैं वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है और ला इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का और जमहूरी का कॉन्स्टिट्यूशनली ये फ़र्ज बनता है कि वो उसको प्रोटेक्ट करें इस रोशनी में उन्होंने ये अपीली ली कि भाई ये जो उस्ताद था ये एक तो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right जो है उसको एक्सरसाइज कर रहा था और दूसरा जो है जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इस सिलसिले में थी वो ये थी कि वो अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा था अब ये बड़ा इसमें एक जज्बाती और सेंसिटिव मसला आ जाता है जैसे मुसलमानों का मसला आ गया ना जी कि हमारे नबी खातिब नबी इन की तोहिन हो गई इसी तरह उनका ये भी एक जज्बाती मसला आम फ्रांसीसी शहरी का बन गया कि भाई इस उस्ताद को ये तो अपने जो है वो फ़र्ज अदा कर रहा था और इसका फ़र्ज़ है बच्चों को पढ़ाना और बोल चूंकि हिस्ट्री एंड जियोग्राफी पढ़ा रहा था और उस वक्त वो क्लास में फ़्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर बात कर रहा था तो उसने एक मिसाल के तौर पर एक चीज़ पेश की और उसने जो नॉन मुस्लिम बच्चे थे उनको वार्न किया कि मैं ये खाके जो हैं वो दिखाना चाहता हूँ और अगर आप ये समझते हैं कि ये आपके लिए किसी तरह की जो है वो मसला है तो आप ये बेशक ना देखें तो ये चीज़ जो है ये एक उस्ताद की तरफ से फ्रांसीसी आवाम आम आदमी गवर्नमेंट और वो सारे लोग जो हैं उन्होंने समझा कि ये एक मासूम आदमी था जिसको के इंतईब ब्रूटल तरीके से कत्ल कर दिया गया जो के अपना फ़र्ज़ मनसबी अदा कर रहा था और जो अपने मुल्क के एक शहरी की हैसियत से जो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन जो उसको प्रोटेक्ट करता है उस प्रोटेक्शन के अंदर वो अपनी बात कर रहा था तो उसको जिस बेरहमी से कत्ल कर दिया गया ये डिज़र्व नहीं करता जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा जो बैकलैश हुई और ये जो रद्दमल है वो सामने आया अब इस हद तक जो स्टोरी है ये फ्रांसीों को फेवर करती है क्योंकि उनके नज़दीक तो जो उनका वर्शन है जो नैरेटिव है वो यही है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स सेकुलरिज्म फ़्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्टेट को अकायद और रिलीजियस जो बाउंड्रीज हैं उनसे हट के तो अपना एक जो सिस्टम है उसको चलाना है तो इसलिए फिर उसके ख़िलाफ़ उन्होंने जो है वो रद्दमल किया जो कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया अभी इसमें आउट ऑफ प्रोपोर्शन क्यों हो गया कि देखें जिस तरह वो आदमी जो है वो जज्बात में आया एक आदमी तो उसमें किसी भी मुल्क में जिसके अंदर रूल ऑफ लॉ है और जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है वहाँ पे हर शहरी जो है वो कुछ बुनियादी चीज़ें होती हैं जिसकी उसको पासदारी करनी पड़ती है इस बात के कतः नज़र के उसके नज़रियात क्या हैं ख़्याल क्या हैं अकायद क्या हैं और वो किस मज़हब पर बिलीव करता है या अगर वो मुसलमान है तो महमद्लम ख़ातमनबीन के जो है वो बारे में कौन से ऐसे अल्फाज हैं या इशारे हैं या खाके हैं या कुछ चीज़ें हैं जिनसे वो उसके जज्बात मजरू होते हैं इसके बावजूद एज ए सीटिज़न ऑफ दी of that country or as a permanent resident of rent of that country or a person who is living under the protection of that country as a refugee or person who is living under the protection of that country as an asylum seeker उसका ये फर्ज बनता है कि वो पहले जो मुल्क के अंदर इस तरह की हरकत करने वाले लोगों के खिलाफ एक लीगल रेमेडी मौजूद है पहले उसको आजमाए और वो लीगल रेमेडी क्या है कि अगर कोई आदमी कोई ऐसी हरकत करता है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या लीगली उसको एक ऐसे वो जो है खाने में डाला जा सकता है कि इसकी ये किसी तरह का हेट क्राइम है या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है बल्कि ये ब्लास्फेमी है या ये जो है ये उसका फंडामेंटल राइट नहीं है बल्कि ये दूसरे के जो है वो जज्बात को मजरू करने की एक शौरी अटैम्प्ट है तो उसके लिए फ़्रांस जो है चूँकि एक रूल ऑफ लॉ वाला मुल्क है तो उसमें फिर सबसे पहले जो है वो कोर्ट्स खुले होते हैं कि वो आदमी जिसके जज्बात इतने मजरूह हों वो सबसे पहले कोर्ट्स में जाए पहली बात यह है कि ये इंडिविजुअल का काम फिर भी नहीं है ये एक आदमी का कतन जो है वो खदाई फौजदार बनना या अल्लाह का सिपाही बन के किसी पे टूट पड़ना और खुद ही अदालत अपने दिल में लगा के या अपने दोस्तों के किसी ग्रोह के अंदर जो है वो अदालत लगा के तो खुद ही ये डिसीजन करते हैं कि ये आदमी जो है वो मौत का हकदार है और उस पर जो है वो मौत का हुक्म सादर कर दे और फिर उसको अपने हाथों से कत्ल कर दे इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं है खुद ही जो है वो प्रोसिक्यूटर बनना खुद ही इन्वेस्टिगेटर बनना खुद ही जज बनना खुद ही डिसीजन करके और खुद ही जो है वो जो है फांसी लगाने या कत्ल करने का अमल जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का जो काम है वो खुद कर लेना तो ये क्या है ये अमल जो है ये किसी भी मजहब मुल्क में कोई उसका मजहब हो या ना हो या कोई उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप हो कोई जो है वो पोलिटिकल सेटअप हो डेमोक्रेसी हो या जो है वो डिक्टेटरशिप हो उसके अंदर किसी शख्स को इजाज़ नहीं है कि वो इस तरीके से कानून अपने हाथ में ले और ख़ुद ही जो है वो लोगों के बारे में डिसीजन करके उनको जो है वो सजा दी जनाजे ये काम जिस शख्स ने किया वो उसको ये याद रखना चाहिए था कि दुनिया में बिलियन से ज़्यादा मुसलमान हैं उसमें स्कॉलर्स भी हैं उसमें इमाम भी हैं उसमें प्रीचर्स भी हैं उसमें आम लोग भी हैं उसमें बहुत बड़े बड़े जो है वो मिलिटेंट्स भी हैं और उसमें पीसफुल लोग भी हैं तो उन सब में से अगर मैं ख़ुद जो है अपने नाजक कंधे पे इतना बड़ा जो है वो एक काम लेता हूँ तो देयर मस्ट बी ए जस्टिफिकेशन वाई मी एंड वाई आई एम डूइंग दिस क्या जस्टिफिकेशन है मेरे पास ये काम करने की तो ये चीज़ जो है ये अगर वो सोच लेता तो जाहिर है कि वो फिर यही बात जो है एक मुसलमानों का जो इजतमाहीत होती है मुसलमानों के जो वहाँ पे एसोसिएशन हैं उनके सोशल ग्रुप्स हैं उनके ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं उनकी छोटी मोटी यूनियंस हैं जो भी उनका कोई मुश्तरक प्लेटफार्म है वो प्लेटफार्म इस मामले को उठा के ले जाता इसको उठा के कोर्ट में ले जाता अगर वो ये समझते थे कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनली या लीगली कोई ऐसी चीज़ है जिसकी रेमेडी मांगी जा सकती है या वही जो है वो इजमाही तौर पे उसको मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के पास ले जाते फ्रांस की जो रूलिंग एलिट है उसके पास ले जाते या फिर फ्रांस की राय अमा के पास जो है वो जल्द जुलूस और एजुटेशन की शक्ल में ले जाते कि ये हमारे साथ जो है गलत हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए तो उससे क्या फर्क पड़ता कि ना कोई कत्ल होता ना कोई जेल में जाता और ना दुनिया में नफ़रत और खौफ की ये फजा पैदा होती जो अब पैदा की जा रही है इसकी वजह क्या थी कि उस आदमी ने रूल ऑफ लॉ को और कॉन्स्टिट्यूशन को इग्नोर करके तो अपनी ज़ाती डिसीजन मेकिंग को और विजिलेंटे जिसको आप जस्टिस कहते हैं उसकी रोशनी में एक एक्शन कर लिया जिसने दुनिया में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल को जो है वो एक मुसीबत में डाल दिया एक तो ये उसका एक्ट था जिसको किसी तरीके से भी खुद उसके माँ बाप और मैं समझता हूँ कि अगर कोई होशमंद साथी हैं तो वो भी जस्टिफाई नहीं करेंगे मैं दिन में मुमकिन है बीस दफ़ा लोगों को की बातों को नापसंद करूँ किसी के मुँह से ऐसी बात सुनूँ जो मुझे हर्ट करती है या मेरी जो है वो सेंसिटिविटीज़ को जो है वो छेड़ती है या कुछ इस तरह तो इसका मुझे हक नहीं मिल जाता कि मैं तलवार उठा के टूट पड़ूं बल्कि इसका तरीका ये है कि मैं उसकी स्टेप बाय स्टेप रेमेडीज़ और दुनिया में कोई ऐसा मसला है ही नहीं जिसकी कोई रेमेडी ना हो या उसकी कोई लीगल रेमेडी होगी या पॉलिटिकल होगी या सोशल होगी किसी ना या मॉरल होगी और किसी ना किसी तरीके से जो है आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं लेकिन इसने जो है वो इस एक अलग तरीका जो है वो इख्तियार करने की कोशिश की अब ये जो अलग तरीका इख्तियार हो गया था ठीक है लोग गलती भी करते हैं और इस तरह के नौजवान जो कन्फ्यूज़ हैं प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं हैं आलात का शिकार है किसी तरीके से वो अपने मुल्क से जो है वो माजर है कोई उसकी बैकग्राउंड नहीं कोई प्रॉपर कोचिंग नहीं तो वो कन्फ्यूजन की शक्ल में कोई ऐसा स्टेप कर सकता है लेकिन उसका जो रद्दमल हुआ वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट था कि उसके अमल में जो मुस्लिम सैन माइंड है उसको प्रिवेल करना चाहिए था और दुनिया में कहीं भी अगर कोई सैन माइंड प्रिवेल करता था तो इसका अमल ये होना चाहिए था कि वो ये कहते कि ये काम इस शख़्स ने जो किया है गलत किया है इसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ और आइंदा ऐसे वाक़ को रोकने के लिए जो कुछ उस टीचर ने किया है उसकी क्या लीगल और मोरालिटी क्या है और उसको फ्यूचर में इस तरह के वाकयात की हैपनिंग और री हैपनिंग जो है उसे रोकने के लिए हम किस तरह के जो है वो इकदाम कर सकते हैं तो फिर ये बात सामने आती कि जो मुस्लिम कम्युनिटी इंटरनेशनली जहाँ कहीं भी हैं उनके अंदर एक पॉजिटिवली एक सेंसिटिविटी मौजूद है इस इशू पे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से और इसको दुनिया एड्रेस करने पे मजबूर है कि इसको हमदर्दी से करे लेकिन जिस तरह का ये रिएक्शन हुआ आपने देख लिया उसके नतीजे में ए, क्या हुआ कि देखें जिस तरीके से ये नौजवान जिसने ये काम किया ये कोई मुस्लिम उम्मा या मुस्लिम कम्यूनिटी के इश्तार में नहीं है कि वो उसके कहने पर यह काम करता या उसके कहने पर ये रुकता हालांकि कहने से फ़र्क पड़ता है ये पर, अगर नौजवान नहीं तो उनको ला अगला नौजवान जो है उस पर फ़र्क पड़ता इसी तरह जो है वो फ्रांस का हर उस्ताद हर शहरी हर आदमी हर फ्रांसीसी जो है वो फ्रांस की हुकूमत या फ्रांस के जो दानश्वर हैं या फ्रांस की जो एलिट है उसके अख्तियार में नहीं है कि वो उनसे पूछ पूछ के तो क्या, क्या बात करे या क्या काम करे जिससे किसी की तोहन होती है या उसका क्या एक्शन हो या क्या उसकी कोई वर्बल स्टेटमेंट हो जिससे किसी दूसरे मजाब के लोगों की जो है वो तोहिन होती है तो इसको इस तरीके से भी नहीं दिखाया जाना चाहिए कि इसके पीछे पूरा फ्रांस है लेकिन जब हम इस तरीके से दिखाते हैं तो इनफैक्ट उसके पीछे जो है वो पूरा फ्रांस आ जाता है अब इस नौजवान ने जो ये हरकत करके एक स्कूल टीचर को इस बे रहमाना तरीके से मार दिया तो ये वाक्य ही ऐसा हो गया कि उसके पीछे फ्रांस की जो पब्लिक है उसको खड़ा होना पड़ा फ्रांस की वही पब्लिक जो आम हालात में मुमकिन है मुसलमानों के साथ या इस तरह के लोगों के साथ खड़ी हो और होती रही है ये तारीख़ में बहुत दफ़ा हुआ और हमने ख़ुद इसको विटनेस किया कि वहाँ अगर कोई रेसिज्म के वाकयात हुए वहाँ अगर कोई मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरह की कोई फाशिस्ट या रेसिस्ट किस्म की अप्रोच खुल के सामने आई तो फ़्रांसी जो लोग थे आम आदमी थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे लॉयर्स थे जजेस थे उन्होंने इसको अपोज़ किया और वो मुसलमानों की हमायत में खुल के सामने आए लेकिन ये जो अमल आपने किया जिस शख्स ने किया उसकी वजह से ये बिल्कुल उसके उलट हो गया कि फ़्रांसीसी रेमा के लिए ये एक बहुत ही बेरहमाना किस्म का बारबैरिक एक्ट था जिसकी मजम्मत करना और ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देना जो है उनके लिए ज़रूरी हो गया अब इसकी वजह से जो फ्रांस की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है और फ्रांस का जो प्राइम जो इस वक्त जो है वो सदर है वो एक मुश्किल सिचुएशन में चले गए चूँकि जाहिर है कि फ़्रांस जिसको आप कहते हैं वो कोई एक आदमी या एक ग्रो या एक पार्टी का नाम नहीं है वो एक डाइवर्सिफाइड सोसाइटी है जिसके अंदर मुख्तु ग्रो मुख्त पार्टीज़ हैं वहाँ पे जो फंडामेंटलिस्ट राइट विंग लोग थे उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा जो है एक पॉइंट उनको मिल गया जिसको बुनियाद बना के तो उन्होंने पापुलरिटी गेन करनी शुरू कर दी आपने देखा होगा कि जो इस पर ताज़ा तरीन पोल आए उसमें जो राइट विंग जो फंडामेंटलिस्ट हैं और जो मौजूदा रजिम है उसके दरमियान दो तीन पॉइंट्स जो हैं वो रह गए जिसका मतलब ये था कि आइंदा इलेक्शन में वो लोग इस मामले की शिद्दत को आगे बढ़ाकर मजीद जो है वो पॉपुलरिटी गेन कर सकते हैं और इसके नतीजे में मौजूदा हुकूमत जो है वो दोबारा इलेक्ट नहीं हो सकती अब जो हुकूमतों की पॉलिटिक्स है पॉपुलरिटी पर गें कर, बिलीव करती है पॉपुलरिटी पे डिपेंड करती है उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो हर चीज़ को इस्तेमाल करते हैं अपने मकासद के लिए कि जहाँ पर वो देखते हैं कि ये एक पॉपुलस्ट किस्म का कोई स्लोगन है पॉपुलस्ट किस्म का कोई इशू है तो उसमें वो फौरन जो है वो उसके साथ इसलिए खड़े हो जाते हैं कि उसमें आप उनको अपना वोट बैंक जो है वो सेफ़ नज़र आता है इसको आप सिर्फ फ्रांस के अंदर ना देखें इस वक्त इसको आप तुर्की में भी देखें और पाकिस्तान में भी देखें तुर्की और पाकिस्तान में इस वक्त जो पॉपुलिस्ट रजीम है जो एग्जिस्टिंग रूलिंग एलिट है वो चूँकि पॉपुलिज्म पे और पॉपुलिस्ट रजीम पे बिलीव करते हैं इसलिए उन्होंने भी इसको बिल्कुल उसी अंदाज में जो है वो लिया है और उसको बजाय इसके कि वो इसमें एक सैनिटी का एलिमेंट ऐड करते और वो ये कहते कि ये जो वाक्य हुआ है कि इंडिविजुअली आइसोलेटेड वाक़ा एक आदमी ने किया इसके पीछे उमत मुसलमान खड़ी नहीं है ना ये मुसल्म, उम्म मुसलम का एजेंडा है कि आप यूरोपियन या मगरबी ममालिक में जाके तो वहाँ के उस्तादों को और वहाँ के दानश्वरों को जो है उनकी बात करने की आज़ादी या किसी और चीज़ पर जो है वो कत्ल करते फिरें बल्कि ये एक आइसोलेटेड वाक्य है और दुनिया को इस पागलपन का शिकार नहीं होना चाहिए कि एक दो शख्सों की गलत असमेंट या गलत हरकत की वजह से दुनिया जो है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो बिल्कुल जंग की हालत में आ जाए जैसे कि हुआ अब जो तुर्की ने एक्सचेंज किया है फ्रांस के साथ और जिस तरह के अल्फ उन्होंने इस्तेमाल किए हैं अब जिस तरह के एक इंटरनेशनल मुहिम चल रही है कि फ़्रांस के, के ख़िलाफ़ जो है वो फाइनेंशियल बाईक किया जाए और जिस तरह के स्लोगन्स ये सारे जो हैं ये सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए जो पॉपुलिस्ट रजीम है वो दे रही है इसको अगर आप इन डेप्थ देखें तो ये जो सारे स्लोगन्स हैं ये ना सिर्फ झूठ मिस मिसरेप्रजेंटेशन पर मबनी है बल्कि प्रैक्टिकल दुनिया में ये पॉसिबल है ही नहीं चलें बाकी उमत मुसलमान को छोड़ते हैं दो मुल्कों को ले लेते हैं एक जो है वो तुर्की है और दूसरा पाकिस्तान है तुर्की और पाकिस्तान का फ्रांस के साथ जो दो तरफ़ा तजारत है वो कितनी है ये आप अगर इस में जाएंगे मुझे इस पर एक क्वेश्चन भी आया था कि तुर्की जो है उसका तकरीबन पचास बिलियन डॉलर की तजारत जो है वो फ्रांस के साथ है और बजाय इसके कि तुर्की जो है वो मिडल ईस्ट की अरब कंट्रीज़ को और दूसरे ममालिक को ये अपील करे कि आप फ्रांस के ख़िलाफ़ जो है वो ये जो तजारत है ये बाई करें या तजारत बंद करें उसके बजाय अगर ख़ुद अपना करे पचास बिलियन डॉलर की जैसा कि मैंने पहले किसी एक प्रोग्राम में कहा था कि तुर्की जो है वो इसराइल के बाई कार्ड की बात करता है लेकिन उसकी अपनी तजारत जो इसराइल के साथ है ऑफ़ डॉलर्स की वो बदस्तूर जारी है बिल्कुल इसी तरह फ्रांस के साथ जो 50 बिलियन डॉलर की तजारत है वो ख़त्म करने के बजाय और फ्रांस को सबक सिखाने के बजाय वो ये कहते हैं कि बाकी ममालक जो हैं स्पेशली जो मिडल ईस्ट और दूसरे हैं वो इसमें शामिल हों इसी तरह पाकिस्तान की फोटी -फोर बिलियन या जो भी तजारत है उसको अगर ख़त्म कर दिया जाता है तो पाकिस्तान की सारी इकानी जो है वो रातों रात बैठ जाती है और इसमें फ्रांस को कितना नुकसान होता है इसको आप अगर देखें तो फ्रांस के जो मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं या जो उसकी तजारत है या जो उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो मेनली फर्स्ट ऑफ ऑल यूरोप में और ज़ाहिर है यूरोप ने इस इशू पे फ्रांस के साथ ही खड़े होना है बेशक बाकी मामला में फ्रांस के साथ उसके जो भी अख्तलाफात हों या वजह हो तो यूरोप ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फ्रांस के साथ इस बुनियाद पे ख़त्म नहीं करनी उसका दूसरा बड़ा जो बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं अमेरिका कनाडा वगैरह जाहिर है उन्होंने भी इस मामले पे यही करना है उसका जो तीसरा ट्रेडिंग पार्टनर है वो चीन है उसके साथ भी ज़ाहिर है चीन ना तो इन महबी मामलों में पड़ता है और ना इस हवाले से वो अपनी पॉलिटिक्स को मतसर होने देता है लेकिन इसके बावजूद अगर हम ये कह ही दें कि हमारे ये जो रूलिंग एलीट है ये सच है और ये वाकया मुख्लशि से ये बात कर रही है तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो फ़्रांस की पूरी दुनिया में जो तजारत है वो है तकरीबन सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटी थ्री की और फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटी थ्री बिलियन्स में से सिर्फ फाइव परसेंट जो तजारत है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की वो पूरी इस्लामी दुनिया के साथ और इस्लामी दुनिया की यूनिटी का सवाल जो आपको पता है कि हाल ही में इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से सामने आया उससे पहले सऊदी अरब वर्सेस ईरान इश्यूज पे सामने आया उससे पहले सऊदी अरब तुर्की इश्यूज पे सामने आया कि कोई दो मुल्क भी थे किसी एक बात पे मुतफ़ नहीं हो सकते और अगर ये सारे मुतफ़ हो भी जाएं पूरी जो है वो इस्लामिक कम्यूनिटी तो फ्रांस का सिर्फ पाँच परसेंट बिजनेस जो है उस पर असर पड़ेगा जो कि मुमकन ही नहीं है लिहाजा ये जो दोनों लीडर हैं तुर्की के होके okay, या पाकिस्तान के इनकी ये जो अपील है इसके अंदर कोई सेनेटी नहीं है कोई लाजिक नहीं है कोई फैक्ट्स नहीं है कोई हमदर्दी नहीं है कोई सन्सेरिटी नहीं है बल्कि ये एक मुनाफाना किस्म का अमल है आम आदमी को बेवकूफ़ बनाने के लिए पापुलिस्ट वोट जो है उस पर बैंकिंग करने के लिए और अपने आप को आवाम में ये दिखाने के लिए कि हम जो है वो हजरत महमद्ल खातिबीन के बहुत बड़े जो है पैरोकार हैं और उनकी इस बात पे हमें दुख हुआ है हालांकि इनकी अपनी हरक़ व शक्न इनके अपने जो झूठ अपने जो फ्राड अपनी जो मुनाफतें हैं वो जो है आपके सामने और इस हवाले से इनके अपने रजियो में अगर देख लें तो पाकिस्तान के अंदर या तुर्की के अंदर जो माइनारिटीज़ हैं जो दूसरे मजाब के लोग हैं उनके कितने एक हकूक उनको हासिल हैं उनके जो अंबिया हैं या उनके जो पैगंबर हैं या उनकी जो किताबें हैं उनको इनके अपने लोग कितनी एक रिस्पेक्ट देते हैं उनके कितने एक जो है वो राइट्स जो फंडामेंटल या डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं वो सेफ़ हैं ये सारी देकर सामने रखा जाए तो ये एक बड़ी अजीब और बड़ी दर्दनाक किस्म की जो एक तस्वीर हमारे सामने आती है जो ये जाहिर करती है कि मुस्लिम दुनिया में इस तरह के लोग जो अपने इकदार के लिए और पापुलिस्ट पॉलिटिक्स को बचाने के लिए हजरत महमद्स ख़ातिबी का नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको भी सियासत के इस गंद में घसीट सकते हैं ये आम समझने वाली बात है कि अगर आप फ्रांस के आम आदमी से लड़ेंगे और उस लड़ाई में आप अपने साथ हजरत महमद्ल खातिबीन को शामिल करेंगे तो वो आप अपने नबी की रिस्पेक्ट भी उसकी नज़र में कम कराएंगे मुमकिन है आम हालात में वो नबी की रिस्पेक्ट करे कि अम्बिया की रिस्पेक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल हुआ वो क्रिश्चन हो जूश हों या मुसलमान हों करते हैं लेकिन जब आप उसको दुश्मन बना के तो खड़ा करेंगे कि हम जो है वो मोहम्मद वसल्लम के डिफ़ेंडर हैं और आप जो है दुश्मन हैं तो जाहिर है कि उसका जवाब फिर यही होगा वो खाके भी बनाएगा वो गालियाँ भी देगा वो ब्लास्फेमी भी करेगा और वो डिसरिस्पेक्ट भी करेगा तो इसलिए ये जो इनका सैन माइंड है जो नौजवानों के अंदर अब मैंने देखा है कि यूरोप में और यहाँ कुछ नौजवान जो हैं वो दूसरों को वर्गला के अब जुलूस निकाल रहे हैं फ़्रांस के खिलाफ ये देखे बगैर कि ये जो जो बात चल रही है इसमें रिलीजन का कोई चक्कर नहीं ये बुनियादी तौर पे पॉलिटिक्स है जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स जो हैं वो इसको यूज़ कर रहे हैं और इश्त्याल दिला के तो अपने जो है वो हल्का इंतखा और अपने अवाम की सपोर्ट और अपनी ढगमगाती हुई हुकूमतें और अपना हाथ से जाता हुआ इकदार जो है उसको किसी न किसी तरह की बैसाखी जो है वो फ्राह्म करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके इस तरह के पे आके तो ये जो वेस्ट में हमारे लोग आए हैं आ यहाँ पर आबाद हुए हैं यहाँ की अच्छी सोसाइटीज़ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक फ्रूट्स जो हैं उनसे इस्ता कर रहे हैं माशी और समाजी आसूगी ले रहे हैं उनके बच्चे इन मुल्कों में पैदा हो रहे हैं उनको माफ़ करें और उन बच्चों को खुद ही इन मुल्कों के अंदर अपने ही पड़ोसियों के खिलाफ अपने ही हमसाए के खिलाफ अपने ही हम वतन के खिलाफ और अपने ही मुल्क की पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ इस तरह के मिलिटेंट ना बनाएं और उनको मेन स्ट्रीम से ना कटवाएं और उनको इस तरह की मिस गाइडेड किस्म की ओपिनियन जो थर्ड वर्ल्ड से आती है जहाँ पे उनको ये होश नहीं आया कि ये जो गुरबत और ये जो बेरोज़गारी और ये जो जालत और ये जो रुश्वत और ये जो नाानसाफ़ी है जिससे तंग आकर ये लोग वहाँ से भागे हैं और उनको आके इन मुल्कों में वो दर्श देते हैं कि ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है ये जो है ये मुनाफत जहालत इग्नोरेंस और एक तरह का खुद गर्जी की इंत है कि जब आप इस तरह के गरीब और लूटे फिटे लोगों को जो कश्तियों में बैठ के तो कभी आके फ्रांस और स्पेन और कभी किसी सरहद पे जो है वो उतरते हैं जहाँ पे वो तकरीबन मौत याद की कश्म कश में होते हैं तो कुछ अरसे बाद उठ के तो उनको अपना इस्लाम और ये सारे पीछे से पैगाम याद आ जाते हैं और वो चाक़ू लेके के यहाँ के उस्तादों पे और यहाँ के दानश्वरों पे और यहाँ के सियासतदानों पे जो है वो टूट पड़ते हैं ये एक ऐसा अमल है जिससे ना फ्रांस को कोई नुकसान होगा ना वेस्ट को कोई नुकसान होगा और अगर नुकसान किसी को होगा तो ये इन ही गरीब लोगों को होगा जो अपना मुल्क छोड़ के जिन्होंने आके इन मुल्कों में पन्ना ली है और अब इन्हीं मुल्कों के ख़िलाफ़ जुलूस निकालते हैं इन्हीं लोगों को होगा और इनकी आइंदा नस्लों को होगा और इनकी नस्लें जो हैं वो अभी से ज़ाहिर हो रहा है जिस तरीके से लोग खुदकशियों पर उतर आ रहे हैं और जिस तरीके से वो मनफी सरगर्मियों में जा रहे हैं जिस तरीके से वो गैंग्स का हिस्सा बन रहे हैं तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इसी डबल स्पीक मतजाद ख्याल मतजाद बयान और मतजाद प्रैक्टिस जो हैं वो उसका नतीजा हैं इसलिए जो लोग वेस्ट में हैं उनको ये सोचना चाहिए कि वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर एक टॉलरेंस है रिलीजन को यहाँ वो अहमियत नहीं है जो हमारे यहाँ है यहाँ लोग रिलीजन के नाम पे एक दूसरे का गला नहीं काटते और ना उनको इस बात से कोई तकलीफ़ है कि कोई अज़ल मोहम्मद सल्लम ख़ातिमवी का पैरोक है या उनकी बहुत बड़ी इज्जत करता है तो उनको कोई तकलीफ है ऐसी कोई बात नहीं है ये सोसाइटी बेस ही जो है वो रिस्पेक्ट और इज़्ज़त पे करती है और हर आदमी दूसरे की इज़्ज़त और रिस्पेक्ट करता है ख्वाब को कितना बड़ा है को कितना बरगजीदा है को कितना गुनागार है इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और इनको समझते हुए मैं समझता हूँ कि ये लोग जो जल्द से जुलूस निकाल रहे हैं बगैर देखे लोगों के हाथों में इस्तेमाल हो रहे हैं बग़ैर पढ़े बग़ैर समझे इशू की डेफ्थ को महसूस किए बगैर इस तरह के काम कर रहे हैं ये सिर्फ ईंधन बन रहे हैं उन लोगों के हाथों में जो इस्तम्बुल में या इस्लामाबाद में बैठ के पूरी दुनिया पे हुकूमत करने का ख्वाब देख रहे हैं लेकिन उनके पास ना ये क्वालिटी है ना ये ज़र्फ है और ना इतनी जो है वो औकात है तो इसी पे मैं आज की ये गुफ्तु ख़त्म करता हूँ आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए खुदाफ़ सब्सक्राइब टैग टी वी यूट्यूब चैनल एंड नोटिफिकेशन पक